सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत करने के लिए हमेशा की तरह हाजिर हैं आपके साथ ही बबीता जैन और संदीप भट्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ साथियों, वतन के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान कर देने वाले शहीदों के जज्बे और हौसलों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। बहुत खूब संदीप, बहुत खूब। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हर रिश्तों को भूल सकते हैं, लेकिन आज के खास दिन को भुला पाना किसी भी भारतवासी के लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बबीता, आज ही के दिन 1931 को शहीद भगत सिंह को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के तख्ते पर लटकाकर भले ही अपनी जीत का जश्न मनाया हो, पर इस दिन ने युवाओं के साथ साथ समस्त प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया था। हालांकि कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये सजा 24 मार्च के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद चुपके से बिना किसी को जानकारी दिए ब्रिटिश अफसरों ने एक दिन पहले ही तीनों देशभक्तों को फांसी दे दी। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, ब्रिटिशर्स ने इन शहीदों के शव का अंतिम संस्कार करके अस्थियों को फिरोजपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर सतलुज नदी में बहा दिया था। जिस वक्त भगत सिंह को शहादत प्राप्त हुई उस दौरान इनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जब युवा अपने भविष्य के सपने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस देशभक्त ने वतन की मिट्टी के लिए खुद को मिटा देना ही अपना मकसद बना लिया था। पंजाब के एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह के खून में देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी। बहुत ही छोटी उम्र से ही भगत सिंह ने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव भगत सिंह की सोच पर इतना ज्यादा हुआ कि वो क्रांतिकारी व मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकर्षित होते चले गए। साथ ही बहुत से क्रांतिकारी संस्थानों के साथ जुड़े भी रहे। अपने बुलंद हौसलों के दम पर ही बहुत जल्द भगत सिंह को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का खास नेता बना दिया गया। ये वही पार्टी थी जिसके सरगना राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद व अशफाक उल्ला खां जैसे वीर देशभक्त थे। साइमन कमीशन के भारत आने पर जब देश भर में इसका विरोध किया जा रहा था, तो इन्हीं में से 30 अक्टूबर 1928 को एक विरोध प्रदर्शन लाहौर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा भी किया जा रहा था। बिल्कुल, ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने इस भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। परिणाम अहिंसात्मक विरोध देखते ही देखते हिंसात्मक विरोध में परिवर्तित हो गया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। लाठी चार्ज के दौरान लाला जी बीच बचाव करते हुए बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मौत हो गई। हालांकि मौत दिल के दौरे के कारण हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहीं न कहीं इसका जिम्मेवार लाठी से उनके शरीर पर आई चोटों को भी ठहराया। लाला जी की मौत का गहरा धक्का समस्त आंदोलनकारियों को लगा, और आपको पता है कि इस लाठीचार्ज की घटना को भगत सिंह ने अपनी आंखों से बेशक नहीं देखा था, पर उन्होंने पुलिस की इस बर्बरता के लिए बदला लेने का निश्चय कर लिया। भगत सिंह ने दूसरे क्रांतिकारियों शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना तैयार कर ली। सारे देश के मुंह पर चांटा है लाला जी की हत्या। दो 22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर बकवास।
बकवास। सच तो ये है कि सबके सब नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बस। सारा देश भी यही महसूस कर रहा है पंडित जी। इसका जवाब हम देंगे, स्कॉट की हत्या करनी होगी। बस योजना बनी और इसके मुताबिक 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह व राजगुरु ने कुछ गलत फहमियों के चलते स्कॉट की जगह सहायक पुलिस सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। पता है साथियों, इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों क्रांतिकारियों को ढूंढने की लाख कोशिश की, पर कामयाबी हाथ नहीं लगी। और दूसरी तरफ सभी युवा क्रांतिकारी अपने आगे के मंसूबों को पूरा करने में लगे रहे। वर्ष 1929 में काकोरी कांड में दोषी करार दिए गए बिस्मिल व अशफाक उल्ला खां को भी फांसी की सजा हुई, जिसके बाद भगत सिंह ने अपने आंदोलन के मकसद को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इस योजना का विचार इन्हें एक फ्रेंच क्रांतिकारी को पढ़ने के बाद आया और इस तरह 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली चैम्बर में बने पब्लिक गैलरी से 2 बम फेंके। योजना के मुताबिक इस विस्फोट के दौरान किसी भी प्रकार के नरसंहार को न होने देने का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन फिर भी बारूद के असर से कुछ लोग जख्मी जरूर हो गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों साथी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और कुछ प्रचार सामग्री को उड़ाते हुए वहां से भाग निकले। भगत सिंह व दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस घटना के लिए आजीवन कारावास की सजा देने का फैसला किया गया। लेकिन इसी बीच भगत सिंह की रिवॉल्वर में मौजूद बारूद और सॉन्डर्स की मौत के दौरान इस्तेमाल हुई बारूद के एक होने का पता चल गया। दोनों ही बड़ी घटनाओं में भगत सिंह की मौजूदगी का पता चलते ही आजीवन कारावास की सजा फांसी की सजा में तब्दील कर दी गई। इस बीच राजगुरु व सुखदेव समेत बहुत से क्रांतिकारी साथी पकड़े गए और उन पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में भगत सिंह ने ब्रिटिश कैदियों व भारतीय कैदियों के साथ होने वाले असमान व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और इसी के चलते वो दूसरे कैदियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल पर चले गए। इस भूख हड़ताल का पता जब गांधी जी व दूसरे कांग्रेसी नेताओं को लगा तो उन्होंने क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया और प्रशासन पर इसे खत्म कराने का दबाव डालना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते भगत सिंह पूरे देश में एक चर्चित और प्रेरणा के स्रोत देश प्रेमी के रूप में पहचाने जाने लगे और पुलिस चाहकर भी उनकी 116 दिनों तक चली भूख हड़ताल को तोड़ नहीं पाई। कोर्ट ने भी अपने आखिरी फैसले के रूप में 24 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने का आदेश दे दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर इस सजा को मुकर्रर की गई तारीख से करीब 11 घंटे पहले 23 मार्च को शाम 7:30 बजे कर दिया और तीनों देशभक्तों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पर इस घटना के बाद जो देशव्यापी आंदोलन शुरू हुए उससे पूरा प्रशासन परेशान हो गया। युवाओं ने अब किसी भी कीमत पर इस कुर्बानी को जाया न करने की कसम खा ली और अंत में ब्रिटिशर्स को देश से भगाकर ही दम लिया। और इस तरह आजादी के बाद से हर साल 23 मार्च को महान क्रांतिकारियों की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारी पूरी टीम शहीद दिवस के इस मौके पर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की शहादत को तहे दिल से सलाम करती है और सभी से ये अपील भी करती है कि किसी भी कीमत पर इनकी शहादत।
गीता, वैसे ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की आजादी की कहानी में हिंसक और अहिंसक दोनों ही गतिविधियों का बराबर योगदान रहा है, और इसलिए बात चाहे उग्र विचारों की हो या शांत स्वभाव की, मायने यही रखता है कि उस शख्स ने देश की सेवा में अपना जीवन दान कर दिया। संदीप, कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक। और कैसा संयोग है कि जिस शहीद दिवस के दिन पूरा देश क्रांतिकारियों की शहादत को याद करता है, दूसरी तरफ उसी खास मौके पर ही हम प्रसिद्ध अहिंसावादी व यथार्थ सोच रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया की जयंती भी मनाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे लोहिया जी के पिता हीरा लाल जी खुद भी एक राष्ट्रवादी नेता थे, और उनके सानिध्य में ही राम मनोहर लोहिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। इस दिशा में लोहिया जी ने पहली बार अपना योगदान लोकमान्य गंगाधर तिलक की मौत पर एक छोटी सभा को आयोजित करके किया था। हाँ, वैसे राम अपने पिता के कारण ही महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ते चले गए। 1921 में राम मनोहर लोहिया जी की मुलाकात पंडित नेहरू से हुई, और दिन पर दिन उनकी ये मुलाकात गहरी दोस्ती में तब्दील होती चली गई। यहाँ तक कि राम मनोहर लोहिया जी को नेहरू जी व दूसरे बड़े नेताओं के गलत फैसलों पर आवाज उठाने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता था। सभी देश प्रेमियों की तरह ही वर्ष 1928 में इन्होंने भी साइमन कमीशन के प्रति विरोध जताया और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1927 में मैट्रिकुलेशन पूरा करने के बाद 1929 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ब्रिटिश दर्शन यानी फिलॉसफी में लोहिया जी का भरोसा बहुत ही कम था, और इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड की बजाय बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का फैसला किया। इसके लिए पहले उन्होंने जर्मन भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, और फिर अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के दम पर बर्लिन जाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर ली। यूरोप में अपने दौरे के दौरान लोहिया जी ने जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस असेंबली में भाग लिया। राम मनोहर लोहिया जी ने यहाँ भारत की छवि की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और साथ ही कई आर्टिकल लिखकर प्रकाशित करवाए भी। इस पूरे घटनाक्रम ने राम मनोहर लोहिया जी को यूरोप के साथ साथ भारत में भी एक चर्चित हस्ती बना दिया था। अपनी पढ़ाई के दौरान लोहिया जी ने थीसिस के लिए कोई और विषय नहीं बल्कि नमक सत्याग्रह को चुना था। इस दौरान इन्होंने गांधी जी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत को सामने रखने की कोशिश की थी। भारत वापस लौटते ही राम मनोहर लोहिया जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय कर लिया। साथ ही समाजवाद की भावना से प्रेरित होने के कारण इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1936 में जब राम मनोहर लोहिया का चुनाव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए किया गया, तब इन्होंने ही पहली बार विदेश मामलों संबंधी विभाग के नीति नियम निर्धारित करने का जिम्मा उठाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंत को भांपना शुरू कर दिया था, और इसी कारण अपने भाषणों के जरिए लोहिया जी ने भारतवासियों को सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। भड़काऊ भाषणों के द्वारा हिंसा भड़काने के कारण 24 मई 1939 को लोहिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर युवाओं के भड़कने की आशंका व अधिकारियों के दबाव के कारण इन्हें अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही 1 जून 1940 को इन्होंने गांधी जी के अखबार हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से एक लेख लिखा। इसके प्रकाशन के 6 दिन बाद ही इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल कारावास की सजा सुनाई गई। इस गिरफ्तारी पर गांधी जी ने कहा कि वो लोहिया को लेकर ज्यादा दिन तक चुप नहीं बैठेंगे। वो अपने से कहीं अधिक साहसी व साधारण इंसान लोहिया को अच्छी तरह से समझते थे, और इसी वजह से लोहिया पर लगे हिंसा भड़काने के आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। एक तरफ राम मनोहर लोहिया जी को बाहर लाने के लिए प्रयास तेज होने लगे, दूसरी तरफ जेल के भीतर उन्हें कई तरह से मानसिक प्रताड़नाएं भी दी जा रही थी। और फिर इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1941 में राम मनोहर लोहिया जी समेत सभी कांग्रेस लीडर्स को रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन ने यह फैसला भारत में आंतरिक शांति को कायम करने के मकसद से लिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब ये शांति आजादी पाए बिना किसी को नसीब होने वाली नहीं थी।
गांधी जी समेत दूसरे नेताओं ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। नतीजतन एक बार फिर से गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू व मौलाना आजाद जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाहर बचे हुए साथियों ने स्वराज की इस आग को धीमा नहीं पड़ने दिया। लोहिया जी ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक करो या मरो के संदेश को पहुंचाना जारी रखा। साथ ही अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की मदद से अपने संदेशों का प्रसारण भी जारी रखा। मुंबई, कोलकाता और कई जगहों पर जाकर राम मनोहर लोहिया जी ने आंदोलन को पहले से अधिक मजबूत बनाए रखना जारी रखा। इसी बीच छिपते छिपाते ब्रिटिश सरकार के हाथ न आने की वजह से वो नेपाल के घने जंगलों तक भी पहुंच गए। आखिर में बचते बचाते मई 1944 को मुंबई में लोहिया जी को गिरफ्तार कर ही लिया गया। जेल में उन्हें दी गई यातनाओं के कारण ही बाद में कभी भी उनका स्वास्थ्य पहले की तरह बेहतर नहीं हो सका। गांधी जी के दबाव के कारण एक बार फिर से राम मनोहर लोहिया व उनके साथी जयप्रकाश नारायण को रिहा कर दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद राम मनोहर लोहिया जी ने जो देखा वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दरअसल एक तरफ देश आजादी की ओर बढ़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम झगड़े तेज होते जा रहे थे। ऐसे समय में भी लोहिया जी ने गांधीवादी विचारधारा का पालन करते हुए बंटवारे का पुरजोर विरोध किया, पर अफसोस कि उनका ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और बंटवारे का दंश सभी को झेलना पड़ा। आजादी के बाद राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदी को ही आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाए जाने पर जोर दिया। लोहिया जी एक ऐसे नायक थे जिन्होंने देश निर्माण की दिशा में मूलभूत कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने देशवासियों को खुद से ही गांवों में नहरों, कुओं और सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल संदीप, वैसे इन्होंने दूसरों को प्रेरित करने के साथ साथ खुद भी पनियारी नदी पर बांध का निर्माण किया था। इसे आज लोहिया सागर डैम के नाम से पहचाना जाता है। हाँ, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के मकसद से ही उन्होंने जनवाणी दिवस की स्थापना भी की थी। इस दिन देश के किसी भी कोने से जनता आकर सांसदों के साथ आमने सामने बात कर सकती थी। वैसे ये दिन आज भी संसद की परंपरा का हिस्सा है। राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा सभी के लिए समान अधिकारों की बात की और हमेशा गरीब व अमीर के बीच मौजूद दूरी को खत्म करने के प्रयास किए। इसी के तहत उन्होंने निजी स्कूलों की बजाय शिक्षा को सरकारी संस्थानों से पूरा कराए जाने की मांग की, ताकि सभी वर्ग, जाति व धर्म के बच्चे एक ही साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने राजनीति में आम आदमी को हस्तक्षेप करने की सिफारिश भी लगातार की। साथ ही किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए हिंद किसान पंचायत नामक पार्टी का गठन किया। देश की सच्चे दिल से सेवा करने के कारण ही इन्होंने कभी विवाह नहीं किया और पूरे जीवन में देश व जन सेवा के साथ साथ बहुत सी पुस्तकों की रचना भी की। 12 अक्टूबर 1967 में लोहिया जी की मृत्यु के बावजूद आज भी वो सभी के दिलों में जीवित है। उनके योगदानों के सम्मान में ही लखनऊ स्थित लॉ यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम बदलकर इनके सम्मान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कर दिया गया। साथ ही लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टडीज के लिए भी लोहिया जी के नाम से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई। राम मनोहर लोहिया भारत की आजादी से लेकर इसके नवनिर्माण से जुड़ा वो नाम है जिसके बिना इस देश के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। आज हमारी पूरी टीम लोहिया जी को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वैसे बबीता, जंगे आजादी का इतिहास कितने ही सिपाहियों की साहस गाथा को खुद में समाये हुए है ना? हमें खुद भी नहीं पता, और अगर गौर करें तो हर दिन किसी न किसी घटना का साक्षी जरूर नजर आएगा। हाँ, बात तो ये सही है, लेकिन अब हम जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ये नाम हमने कई बार बहुत से स्मारकों, गलियों व चौराहे के नाम के जरिए सुना जरूर होगा। बिल्कुल, ये नाम कोई और नहीं साथियों बल्कि हेमू कलानी का है। जी हाँ, वही हेमू जिन्हें इतिहास में सिंधी क्रांतिकारी व एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाना जाता है।
हेमू का जन्म आज ही के दिन 1923 में अविभाजित भारत के सिंध में हुआ था। जिस वक्त हेमू ने दुनिया में आंखें खोली थी वो दौर जंगे आजादी का चरम था। ऐसे में भला हेमू कैसे बच पाते इस हवा से? बचपन से ही हेमू ने विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करने के लिए कैंपेन शुरू कर दी। साथ ही अपने मित्रों को भी इस विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ अभियान में शामिल कर लिया। हेमू के हर काम का मकसद सिर्फ ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर भगाना था, इसीलिए इन्हें परेशान करने का कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी के चलते जगह जगह हेमू ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया व कई हिंसक गतिविधियों में भी प्रमुखता से भागीदारी निभाई। वर्ष 1942 में हेमू कलानी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और सिंध में इस आंदोलन की कमान संभाली। सिंध वो जगह थी जहां के रेल मार्ग से ब्रिटिश प्रशासक बड़ी संख्या में यूरोपियन बटालियन वाले खास सैन्य बल को भेजते थे। बस ये पता चलते ही हेमू ने इस रेल मार्ग को ही नष्ट करने की योजना बना डाली ताकि ब्रिटिश सैनिक देश में प्रवेश न कर सके। हेमू ने एक खास सेंट्रल स्टेशन का पता लगाया और वहां की पटरियों पर लगी फिश प्लेट्स को उखाड़ने का कार्य शुरू कर दिया। हेमू के जज्बे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, पर उनके पास जरूरी औजार नहीं थे जिनसे फिश प्लेट आसानी से हटाई जा सके। इसी वजह से उन्होंने देसी तरीके से अपने प्रयासों को जारी रखा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक ब्रिटिश सिपाहियों की नजर हेमू पर पड़ गई और काम खत्म होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही मौत की सजा भी सुना दी गई। सिंध के लोगों ने हेमू पर दया दिखाने की मांग वायसराय से की। ये सुनकर अफसरों ने हेमू से उनके मकसद व साथियों के नाम बताने की शर्त रखी, पर उन्हें क्या पता था कि हेमू पहले से ही सर पर कफन बांध कर निकले थे। अब मौत भी उन्हें डिगा नहीं सकती थी। कई बार पूछे जाने के बावजूद हेमू ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और फिर ब्रिटिश सैनिकों ने हार कर 21 जनवरी 1943 को इन्हें फांसी पर लटका दिया। तो साथियों, इस तरह एक और युवा देश प्रेमी ने अपने वतन की मिट्टी का श्रृंगार एक बार फिर से लहू देकर किया। हेमू कलानी की शहादत जाया नहीं गई और बहुत जल्द देश ने आजाद हवा में सांस ली। पर हाँ, एक अफसोस आज भी सभी को है। जिस सिंध की धरती पर हेमू ने जन्म लिया था वो अब हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमी का हिस्सा है। लेकिन देश की संसद समेत कई जगहों पर इनके सम्मान में स्मारक बनवाए गए और कई प्रमुख सड़कों चौराहों व संस्थानों के नाम इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। आज हर भारतीय युवा और हमारी पूरी टीम हेमू कलानी व उनके हौसलों को तहे दिल से सलाम करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव फन, एंजॉय योर संडे। पर जाने से पहले आज का सवाल तो सुनते जाइए। तो श्रोताओं, आपको ये बताना है कि चारू शर्मा किस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं? अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntoberemembered@gmail.com पर, और साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/borntoberemembered। तो अब बबीता और संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।